नहीं होगा ना, तो समझो कि ना जो कह रहा है ना आज तक वो कुछ किया नहीं है। तो मेरे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, लोगों के खेतों में जाकर काम कर रहे हैं, किसी के मम्मी पापा बर्तन धुलते होंगे, किसी के घर काम करते होंगे कंपनी में। तो हमें ऐसा एक चीज दिमाग में सोचना चाहिए कि मेरे मम्मी पापा क्या करते हैं, मैं किस लायक हूँ कि मेरे मम्मी पापा वो ऐसे काम कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा नालायक और बेकार दुनिया में कोई नहीं है, ना धिक्कार है, इसे पृथ्वी पे जीने लायक नहीं है, कोई मैं हूँ या कोई। तो ऊपर हंस रहा है तो मैं उसको न लूँ कि मेरे ऊपर हंस रहा है, तो वो किस पे हंस रहा है, अपने ऊपर। तो शर्मा ने मम्मी पापा भी कहे जब तक यात्रा समाप्त नहीं होगी तब तक तुमको आना है, तो तुम लोग छोड़ के यहाँ पे आए हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि ईमानदारी से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके मम्मी पापा घर पे राह देखते होंगे कि मेरा बेटा आएगा पढ़ लिख के और अच्छा से मेरा सेवा भी करेगा, आप कुछ अच्छा बन के आएगा। घर से बाहर निकलने का मतलब ईमानदारी से कोई भी आपके पास एक भी परसेंट मन में यह नहीं होना चाहिए कि मैं खेल ले रहा हूँ, घर जाके खेती करूंगा। यहाँ के गुजरात जो होते हैं इतना दिल के अच्छे होते हैं, इतना ईमानदार होते हैं, वेरी प्योर पर्सन है। कभी भी उन लोगों के अंदर यह है कि सोच बहुत बड़ा, मैं IAS बनूंगा, मैं PCS बनूंगा, पुलिस बनूंगा, सोच यही रहना चाहिए। इतना क्या है उड़ने के लिए पंख का मतलब, जो शिक्षा है ना सबसे बड़ा पंख यही है उड़ने के लिए। तो जितनी लड़की नहीं होगा इस देश का शान होगा, और आप हमेशा सिर से उठता रहना चाहिए, कोई देखे सिखाए हाँ मेरा ये बेटा जा रहा है, और उनका ऐसा सोचना चाहिए कि मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहिए। अगर तुमको बोल रहा है ना तो समझो कि सबसे जो बोल रहा है मुझे पागल, सबसे बड़ा पागल। जैसे सर पढ़े लिखे हैं, जैसे 12वीं पढ़ा रहे हैं 12वीं तक, या तो ज्यादा डिग्री है ना तब पढ़ा रहे हैं ना, तो जो पागल बोल रहा है तो सबसे ज्यादा डिग्री है ना उसके पास पागल वाला तभी तुमको बोल रहा है। जिसके पास जो नहीं हो पाता है ना कहता है तुमसे नहीं हो पाएगा ना, तो सबसे बड़ा उसके पास डिग्री है कि उससे कुछ नहीं हुआ, इसलिए तुमको बोल रहा है कि नहीं होगा। तुलना किसी से नहीं, मैं जितना मैं हूँ परफेक्ट हूँ। कभी भी बिहार झारखंड उड़ीसा
और छत्तीसगढ़, आंध्र, तेलंगाना, तो आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला से मैं कर्नाटक आया, कर्नाटक से गोवा, गोवा से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से मैं गुजरात में आया, गुजरात में मैं सापुतारा जो डांग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वहाँ से एंट्री किया, और उसके बाद नवसहरी, नवसहरी से तापी, तापी के बाद सूरत आया, सूरत से एकदम भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में आया। तो हर जगह जैसे ट्राइबल आप लोग हैं तो बहुत अच्छा लगता है, जैसे ट्राइबल जो होते हैं इतना दिल के अच्छे होते हैं, इतना ईमानदार होते हैं, वेरी प्योर पर्सन है ना, कभी भी उन लोगों के अंदर जैसे आप लोग आदिवासी हैं तो आप लोग के अंदर इतना दिल इतना बड़ा होता है, कभी भी दिल के अंदर आप लोग के अंदर थोड़ा सा भी सूरत में फेस्टिवल मनाया मैं आदिवासियों का, बहुत बड़ा वाकरी विलेज है वहाँ पे, कम से कम 12 स्टेट से आदिवासी आए थे, कल्चर को जानना और फेस्टिवल मनाना। मैं केमिकल इंजीनियरिंग किया हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट हरियाणा से, और मैं टीचिंग भी करता था गरीब बच्चों को पढ़ाना, मैं 2 साल तक टीचिंग किया, कम से कम 100 से अधिक बच्चे थे, उन लोगों को कापी पेन किताब सब चीज़ खरीद के अपने पैसे से देता था। यह एक गरीब का जो बच्चा होता है, जैसे आप लोग ना शुरुआत में बहुत ज़्यादा खेलते हैं इधर, तो आप लोग के पास दिमाग बहुत ज़्यादा होता है, जो अमीर बच्चे होते हैं ना शुरू से पढ़ाई क्रिएटिविटी बहुत होती है, ये हर चीज जैसे एनवायरमेंट में ढल जाते हैं, दिमाग आप लोग के पास बहुत तेज है और बहुत ज़्यादा है, आप लोग जो भी याद करेंगे इस समय याद कर सकते हैं, इसके बाद जैसे 15 साल के हो जाएंगे तो आपको याद करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो जो सर आप लोग को होमवर्क देते हैं वो डेली बाई डेली रिविजन करना चाहिए, जैसे याद कोई भी चीज़ नहीं किया जाता, जैसे याद नहीं हो पता, जितना रिविजन करेंगे ना डेली बाई डेली, जैसे आज जो लिखा दिया जा रहा है उसको रिविजन कीजिए, फिर कल ही लिखाया गया है उसको आज का और कल का, फिर ऐसे ही जितना शुरू से और अंत तक जितना ये नोट्स में डेली बाई डेली रिविजन कीजिए तो आप लोग को याद रहेगा। और जैसे हर जगह का अलग अलग, हर जगह का अलग अलग कल्चर होता है, जैसे आप लोग आदिवासी हैं तो आप लोग का कल्चर अलग होगा, तो कहाँ कहाँ से डिस्ट्रिक्ट और भरूच दो डिस्ट्रिक्ट, तो आप लोग अपने फैमिली को छोड़ के यहाँ पे आए हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि ईमानदारी से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके मम्मी पापा घर पे राह देखते होंगे कि मेरा बेटा आएगा पढ़ लिखे और अच्छा से मेरा सेवा भी करेगा, आप कुछ अच्छा बन के आएगा। घर से बाहर निकलने का मतलब ईमानदारी से, कोई भी आपके पास एक भी परसेंट मन में यह नहीं होना चाहिए कि मैं खेल ले रहा हूँ घर जाके खेती करूंगा, यहाँ के गुजरात में मैं बच्चों को देख रहा हूँ कि 10वीं तक पढ़ के उसके बाद खेती करना शुरू कर देते हैं, इससे लाइफ नहीं चलता है, आप तो चल जाएगा, फिर आपके बच्चे होंगे तो वो बाद में कहेंगे मेरे माँ और पिताजी इतना पढ़ लिख के कुछ नहीं किए, खेती कर रहे, खेती पे निर्भर नहीं करते हैं, जैसे आपके मम्मी पापा हैं तो आप खेती करके पढ़ा दिए यहाँ तक, कपड़ा जो भी है जो आपको दे दे रहे हैं, तो सिर्फ खेती या मत दिमाग में पालिएगा मैं खेती करके या गाड़ी किसी के होटल पे काम करके अपना लाइफ गुजारा बसर कर लूंगा, ऐसा कभी भी मत सोचिएगा, यह है कि सोच बहुत बड़ा, मैं IAS बनूंगा, मैं PCS बनूंगा, पुलिस बनूंगा, सोच यही रहना चाहिए इतना, जैसे इंजीनियरिंग करूंगा, IIT निकालूंगा, तो सबसे बड़ा सोच आपको रखना चाहिए कि हाँ मैं ये बनूंगा, ये नहीं कि जैसे लड़कियां हैं तो ये नहीं कि मैं घर में बर्तन मांजूंगी या दूसरे के घर जाकर काम करूंगी, ऐसा कभी भी नहीं सोचना है। तुम्हारे पास एक पंख मिला है उड़ने के लिए, पंख का मतलब जो शिक्षा है ना, सबसे बड़ा पंख यही है उड़ने के लिए, तो जितना तुम लोग पढ़ोगे लिखोगे उतना ही तुम लोग का पंख बड़ा होगा, उससे उड़ सकोगे, उड़ने का मतलब यह नहीं हो कि हवा में, तुम लोग का नौकरी लग जाएगा तो अच्छा से फैमिली भी सेटल हो जाएगा। देखो जैसे तुम लोग सोच रहे हो मैं नहीं पढ़ोगे तो कुछ बच्चे जो होते हैं ना आजकल, जैसे तुम लोग बड़े हो जाओगे तो बच्चे होंगे तो उन लोगों का जब होमवर्क मिलता है ना नहीं आता है ना, तो वो भी बच्चे कहेंगे मेरी मम्मी पढ़ी लिखी है 12वीं तक या बीए कर लिया है कर लिए, अब उनको मेरा होमवर्क जैसे प्रॉफिट लॉस नहीं आता है, तो अभी सोचना चाहिए हमेशा कोई भी क्लास 5वीं में हो तो 5वीं का ईमानदारी से पूरा सब्जेक्ट आना चाहिए, मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, जो भी हो गया
जिस क्लास में वो हर दिन सब्जेक्ट आना चाहिए इंग्लिश हो गया, ये नहीं कि सोचना चाहिए कि नहीं मैं घर में राम जी मेरा शादी हो जाए, कुछ नहीं होता है लाइफ में। तुम जितना आगे बढ़ोगे उतने ही मम्मी पापा का नाम रोशन करोगे। तो हमेशा दिमाग से आप लोग निकाल दीजिए कि मैं लड़की हूँ, लड़की नहीं हूँ, इस देश का शान हूँ। और जो देखो प्रतिभा पाटिल हो गए, इतने लेडीज सबसे आगे, हर जैसे आईआईटी हो गया आईएएस बिजनेस में लड़कियां इतनी आगे जा रही हैं, हर चीज में नंबर वन रैंक लेके आ रही है। तो तुम लोग इतना आगे जाओगे ना, आप लोगों के पास भी बहुत ज्यादा दिमाग होता है। यह लड़कों के पास थोड़ा कम दिमाग है, वो भटकना शुरू कर देते हैं, दोनों के पास माइंड सेट रहता है, दोनों को इधर उधर घर बाहर से नहीं निकलते, काम कर लो, खाना बना लो, खा लो, उतना खेलने चले गए क्रिकेट। अब उन लोगों के पास समय ज्यादा मिल पाता है, पढ़ाई ज्यादा करो, दोस्ती भी कम रहता है, तुम पास लड़कों का ज्यादा कभी बैट के लिए, बैट बॉल के लिए, उधर बात के लिए, तुम लोग सबसे आगे जाना है लड़की। तो यह ध्यान के रखना चाहिए कि हम किसी से कम नहीं है लड़की, और हमेशा अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहिए। क्योंकि माँ बाप के लिए ना पैसा तुम कितना भी कमा लो ना, जैसे यह नहीं कि तुम बिजनेस में चले जाओ, ऐसा पोस्ट में जाओ कि तुम्हारे माँ और पिताजी का नाम हमेशा सिर से उठता रहना चाहिए। कोई देखे सिखाए कि हाँ मेरा ये बेटा जा रहा है, और उनका किसी को मिले तो कहें हाँ मेरा बेटा ऐसा है, तो आपके लड़के को मैं देखा, आपके लड़कियों को देखा, तो इतना उनका नाम रोशन होना चाहिए। उनका हमेशा कोई भी देखे तो सम्मान करना चाहिए, ये तुम पढ़ लिए आपका लड़का क्या कर रहा है, वो बता ना सके तुम मेरा लड़का बी ए कर लिया, एम ए कर लिया, पढ़ लिख के कुछ किया ही नहीं, तो उनको भी गर्व होना चाहिए कि हाँ मेरा लड़का इस जॉब में है, आईएएस बन गया, बीएएस बन गया, कुछ भी अच्छा काम कर रहा है। तो हमेशा ऐसा सोचना चाहिए कि मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन है किसी चीज़ में पढ़ाई कैसे करना चाहिए, मैं भी टीचिंग किया हूँ, क्या प्रॉब्लम होता है, या मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ, मुझे पढ़ने का मन नहीं लगता है, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते तो पूछ सकते हो। समझे पड़ गई बात माँ? હવે તમને કઈ પ્રશ્ન હોય તો હમણાં આપણે પૂછી શકીએ, બરાબર? ગુજરાતીમાં પૂછો, હિન્દીમાં કન્વર્ટ કરી દેશું, કદાચ સમજ પડી જશે એમને, બરાબર ને? ચાલો કોઈ કઈ પૂછવું છે? દેવા કોઈ એમની સાથે જવું હોય તો અહીંથી આપણે નાળિયેર આપી દઈએ, એમની સાથે હાથે ચાય રાખવાનું પાછળ રોશન કઈ પ્રશ્ન પૂછો યાર, સાબાજી પાયલ કઈ એમના વિશે જાણવું છે તમારે? દેખીએ સર શર્મા બહુ જ્યાદા રહે, નહીં નહીં બહુ બઢિયા નહીં શર્માતે, આજ આપકો દેખ કે થોડા દેખો, મેં ભી સમજાઓ તુમ લોગ કે બરાબર, યાને કે મેં ટીચિંગ ટીચર હું, તો હંમેશા ના દોસ્તી કી તરફ કોઈ ભી ક્વેશ્ચન અપને દિલ મેં નહીં રખના ચાહીએ, જો ભી જૈસે પ્રોબ્લમ હોતા હૈ ઘર પે, ક્યા કરના ચાહીએ લાઈફ મેં, ક્યા હોતા હૈ हर चीज के बारे में, क्योंकि कभी क्या पता कौन कैसे बता देगा, थोड़ा समझ में आ जाता है। मैं ये अब तैयारी करना चाहती हूँ, बताओ डॉक्टर कौन बनेगा? परसों पिक्चर वो मूवी दिखाई 12 फेल, हाँ आईपीएस वाला, हाँ वो देख, मैं भी इतने दिन में एक मूवी देखा हूँ 461 दिन, वो भी 12 फेल, हाँ वो भी मैं सापुतारा में देखा गुजरात में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा मूवी, वही दिखाई परसों तो बहुत सर, यह है कि सर मोटिवेशनल के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो यह कोई मिल रहा है तो गुलाब लेके आ रहा है, मुझे मिले रास्ते पे और आगे चले गए थे, फिर वापस आके मुझे गुलाब लेके आए, तो इसके लिए धन्यवाद आपको। थैंक यू। यस पूछो पूछो टीचर, पूछो बोलो बोलो डॉक्टर किसको बनना है बताओ? किसी को नहीं, किसी को डॉक्टर पूछो, हमारे बनो डॉक्टर, डॉक्टर बनो जी, हां डॉक्टर बनवाने कोई प्रश्न हो तो पूछ। देखो डॉक्टर बनने का मतलब तो सोच रही तो समझो मैं डॉक्टर बन गई, ये नहीं कि मैं तुरंत कर लूंगी डॉक्टर, तुम सोच ली तो समझो कि मैं बन गई, और उसके बाद क्या पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करते हैं, जैसे 12वीं में बायोलॉजी शुरू हो जाता है,
इलेवंथ से वो बायोलॉजी हाँ तो बायोलॉजी में तुमको अच्छा से आना चाहिए, फिजिक्स भी आना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र में जाएंगे ना तो वहाँ पे ना फिजिक्स भी लेना, जैसे डॉक्टर भी बनना है ना वहाँ पे तो फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी और मैथ भी, चार सब्जेक्ट इधर की यहाँ यहाँ मैथ्स मैथ छोड़ देना। तो वहाँ पे कर्नाटका में भी है, वैसा ही महाराष्ट्र में नहीं, कर्नाटका में मैं गया था तो वहाँ पे चार सब्जेक्ट अलाउ है, मेरा एचपी में सिर्फ तीन, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो, तो बस यहां पे सेम वैसे ही, वो सेम पे। तो तुमको बायो भी आना चाहिए अच्छा से, और डॉक्टर यह नहीं कि मैं नर्सिंग नर्स बन जाऊँ, डॉक्टर उसे नहीं करता, डॉक्टर का मतलब तुम नीट निकाल लो उसे। तो देखो पढ़ाई में तुम शुरू से अगर तैयारी करोगे ना तो अच्छा हो जाओगे, तो नीट के लिए तैयारी करना, तुमको केमिस्ट्री अच्छा से आना चाहिए, फिजिक्स आना अच्छा से और बायोलॉजी इतने अच्छे से आना चाहिए ना कि तुमको कोई बताया ना ना पड़े, किसी कोचिंग के लिए ना जरूरत। जैसे शुरू का भी तो अगर अच्छा रहता है ना तो अच्छा तुम निकाल सकते हो। तो शुरुआत से तुमको किस क्लास में, टेंथ, हाँ तो इलेवंथ जब आएगा तो अच्छा से इस समय से भी तैयारी करना, उसमें भी टेंथ में भी बायोलॉजी आता है, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री एक ही साइंस में जो, तो अच्छे से पढ़ोगी तब। और नीट के लिए हमेशा तैयारी करना चाहिए, यह नहीं कि हमको नर्सिंग नर्स बनना, नर्स के लिए कभी भी नहीं, इतना लक्ष्य ऊपर रखो ना कि अगर जैसे कोई कहता है ना तुमसे नहीं होगा ना, तो समझो कि ना जो कह रहा है ना आज तक वो कुछ किया नहीं है, कि मेरे बस में जो नहीं है ना वो नहीं कर सकता है, उसके बस में कुछ है नहीं, तुम्हारे बस में बहुत कुछ है। तो कभी भी तुमको कोई भी डिमोटिवेट करता है ना, जैसे ना डिमोटिवेट कोई करता है, जैसे कोई पागल तुमको बोल रहा है ना, तो समझो कि सबसे जो बोल रहा है मुझे पागल, सबसे बड़ा पागल। जैसे सर पढ़े लिखे हैं, जैसे 12वीं पढ़ा रहे हैं 12वीं तक, तो ज़्यादा डिग्री है ना तब पढ़ा रहे हैं ना, तो जो पागल बोल रहा है तो सबसे ज़्यादा डिग्री है ना उसके पास पागल वाला तभी तुमको बोल रहा है। जिसके पास जो नहीं हो पता ना कहता है तुमसे नहीं हो पाएगा ना, तो सबसे बड़ा उसके पास डिग्री है कि उससे कुछ नहीं हुआ, इसलिए तुमको बोल रहा है कि नहीं होगा। तो कभी भी डिमोटिवेट नहीं होता इंसान। मैं एक घंटे में अगर डिमोटिवेट हो जाता हूँ, जैसे मन नहीं किया कि अब क्या होगा, 461 दिन में कभी ना कभी प्रॉब्लम हो जाता है, क्या कर रहा हूँ मैं, क्या नहीं, मैं एक घंटे में रिकवरी कर लेता हूँ। इसलिए कि मैं यह सोचता हूँ कि मेरे मम्मी पापा इतना, जैसे सांसद हो गया, विधायक हो गया, एसपी, थाने से हर कोई आता है तो मेरे मम्मी पापा से मिल के जाता है, इतना ज़्यादा सपोर्ट करता है सब कोई। तो मैं यह सोचता हूँ कि मैं अपने मम्मी पापा का मान सम्मान बढ़ाता हूँ, और इतने लोग सम्मान करते हैं मेरे मम्मी पापा को, और 200 से 300 से अधिक न्यूज पेपर में निकला है, सभी न्यूज पेपर में, तो इतना लोग रिस्पेक्ट करते हैं मेरे मम्मी पापा का, तो हमको अच्छा लगता है। तो मेरी मम्मी पापा भी कहें जब तक यात्रा समाप्त नहीं होगी तब तक तुमको आना नहीं है। तो तुम लोग भी यही, जैसे पढ़ने आए ना तो हमेशा घर पे कोई भी फेस्टिवल होता है तो जाना नहीं चाहिए। मुझे यही है कि मैं पढ़ लिख के अच्छा नंबर लेके जाऊँ, जैसे 10वीं में हो तो तुमको यह नहीं है कि मुझे पास होना है, यह हमको है कि हमको गुजरात में रैंक लेके आना है, फर्स्ट सेकेंड, कभी भी हमको पास होने के लिए नहीं पढ़ा जाता, हमको रैंक लेके आना है कि नंबर वन। जैसे तुम सोचती होगी कि यह मुझसे तेज है पढ़ने में, तेज कोई नहीं होता है, किताबें तो पढ़ना है, तुम अपना पढ़ाई किसी से तुलना अपने को नहीं किया जाता है कि हाँ मुझसे यह तेज, मैं जितना में हूँ वो सही हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, किताब भी जितना है उतना ही पढ़ना चाहिए, उतना ही वो भी पढ़ रहा है वो तेज हो गया, तो हमको जितना है उतना पढ़ के किसी से अपने को तुलना नहीं किया जाए। तुलना करने से ना खुद डिमोटिवेट होते हैं कि हाँ मुझ में कमी है, तुलना किसी से नहीं, मैं जितना में हूँ परफेक्ट हूँ, तो कभी भी किसी से तुलना नहीं किया जाए। और इंजीनियर किसी को बनना है, इंजीनियर बनवाना चाहिए भाई, पुलिस में जवाना चाहिए, हाँ कौन कौन पुलिस में कौन बनना है, सानिया कुछ नहीं बनना है, पुलिस में जाने वाली है, जाबाज लड़की है हमारे स्कूल की। देख कोई भी चीज ना सर माना नहीं चाहिए, जो मैं अभी मैं जो मैं हूँ वो हूँ, सर माने की क्या बात है, सब तुम्हारे कभी भी यह नहीं कि देख के हंसेंगे, क्या हंसेंगे, वो खुद पे हंस रहे हैं। बुद्ध भगवान कहे थे कि अगर कोई गाली दे रहा है ना तो हम ना सुने ना, तो गाली किसको पड़ेगा, जो गाली दिया उसी को, तो मुझ पे हंस रहा है तो मैं ना उसको मानू कि हाँ स्टार्ट है वो चल।
मैं जैसे तुम्हारे ऊपर हंस रहा है तो मैं उसको न लो कि मेरे ऊपर हंस रहा है, तो किस पे हंस रहा है? अपने ऊपर। तो शर्माना नहीं चाहिए कि हंस रहे हैं सब, किस अपने ऊपर। तो कभी भी दूसरे को देख के अपने डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, एक चीज पे डिमोटिवेट होना चाहिए कि हमेशा जैसे मेरे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, लोगों के खेतों में जाकर काम कर रहे हैं, किसी के मम्मी पापा बर्तन धुलते होंगे, किसी के घर काम करते होंगे कंपनी में, तो हमेशा एक चीज दिमाग में सोचना चाहिए कि मेरे मम्मी पापा क्या करते हैं, मैं किस लायक हूँ कि मेरे मम्मी पापा वैसे काम कर रहे हैं। तो अगर देखो, अगर माँ बाप गरीब है, पढ़ा लिखा दिए, अगर उसके बाद पढ़ने लिखने के बाद भी माँ बाप गरीब है, तो सबसे बड़ा बेटे की कमी आती है कि तुम कुछ किए नहीं, माँ बाप को धनी कब बनाओगे? तुम नौकरी लोगे तब तो माँ बाप को हमेशा धनी कब बना सकते, उनको सम्मान कब, जब पढ़ लिख लोगे। अगर तुम्हारे जवानी में वो गरीबी देख रहा है तो सही है, जवानी के बाद जैसे पढ़ लिख के बाद अगर गरीबी माँ बाप देख रहे हैं तो उससे ज़्यादा नालायक और बेकार दुनिया में कोई नहीं हो सकता। माँ बाप को अगर गरीबी में बिता दिए, पढ़ाई लिखाई के बाद अगर माँ बाप गरीबी में बिता दिए तो समझो तुमको जीना धिक्कार है, इस पृथ्वी पे जीने लायक नहीं हो, समझो कोई मैं हूँ या कोई। तुम्हारा होवा छता तुम्हारा माँ बाप गरीबी में जीवता हो तो आपने जीवानो हक नहीं भाई। આપણે મોટા થયા ત્યાંથી મા બાપે વેઠી અને આપણે ભણાવ્યા પછી આપણી દેખતા મા બાપ આપણા ગરીબ ની લેવા જોઈએ, સમજા પડી?